जीका वायरस के बढ़ते मामले। जीका वायरस का कहर, जानते हैं कारण, लक्षण, सावधानियां और इलाज। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे इस खतरनाक वायरस के बारे में सब कुछ। कैसे जीका वायरस फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचे और अगर संक्रमित हो जाए तो क्या करें? तो आइए इस रोमांचक और जानकारी पूर्ण सफर पर हमारे साथ चलें। जीका वायरस मुख्य रूप से एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में अधिक सक्रिय रहते हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाते हैं। अगर आपको लगता है कि मच्छरों से बचने के लिए आप सिर्फ रात में सावधान रह सकते हैं तो एक बार फिर से सोचें। जीका वायरस के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन इनके कारण जीवन काफी मुश्किल हो सकता है। लक्षणों में शामिल है बुखार, लाल चपटे, जोड़ों में दर्द, आंखों का लाल होना यानी कंजक्टिवाइटिस, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ये लक्षण किसी को भी परेशानी में डाल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि आप खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि मच्छरों से बचाओ। मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। स्वच्छता, अपने आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन ढक कर रखें और कूलरों को नियमित रूप से साफ करें। याद रखें, मच्छर साफ पानी में भी पनप सकते हैं। जो लोग जीका प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करते हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें और असुरक्षित यौन संबंधों से बचें। जीका वायरस के लिए अभी तक कोई विशेष इलाज या वैक्सीन नहीं है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति को निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। अधिक से अधिक आराम करें, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासिटामोल लें और एस्पिरिन और अन्य गैर स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं से बचें। दोस्तों, जीका वायरस एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही सावधानी और जागरूकता से हम इससे बच सकते हैं। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन उपायों को अपनाएं और सुरक्षित रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एनबीसी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।